सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंगलवार को पुलिस में केस दर्ज कराने के बाद अब बुधवार को हसीन जहां ने शमी से भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह 10 लाख रुपए की डिमांड कर डाली है। इस मामले में घरेलू हिंसा एक्ट 2005 के तहत दर्ज केस की सुनवाई करते हुए अलीपुर कोर्ट के तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शमी और अन्य आरोपियों से समन मिलने के 15 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है। वहीं इस मामले को लेकर हसीन जहां के वकील जाकिर हुसैन ने कहा, मजिस्ट्रेट ने हमारी याचिका सुनी और दूसरे पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 4 मई को है। हसीन जहां का कहना है कि वो काफी घाटे में है। उन्होंने कहा कि जब शमी 7 दिन के लिए दिल्ली में था तो मैं उनसे मिलने गई थी, लेकिन जिस तरीके से उसने मेरे साथ व्यवहार किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी बेटी से भी एक बार मिला, इस दौरान मैंने अपनी डिमांड रखी, लेकिन इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।